लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। चुनावी नतीजों के पहले आए एग्जिट पोल को लेकर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ओबीसी फ्रंट के चीफ दामोदर सिंह यादव ने एग्जिट पोल पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है, अगर एग्जिट पोल जैसा चुनाव परिणाम आया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और जिला मुख्यालयों पर चुनाव आयोग के पुतले दहन करेंगे। आंदोलन की शुरुआत 5 जून को भोपाल और दतिया से की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के पहले आए एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल्स को लेकर ओबीसी फ्रंट के चीफ दामोदर सिंह यादव ने सरकार और चुनाव आयोग को धमकी दी है। भोपाल में दामोदर सिंह यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों में आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां या बड़े मीडिया हाउसों में मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और निर्वाचन आयोग भी भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है। जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो लेकिन सरकार उसी की बनती है। वहीं दूसरी ओर सभी विपक्षी दल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। अगर इस बार भी एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे आते हैं तो फिर ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर चुनाव आयोग के पुतले जलाए जाएंगे। कि 2014 में एग्जिट पोल आए थे और 2019 में भी आए थे, हर चुनाव में आते हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके से 2019 में आए थे तो हम लोगों को लगा था कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन फिर एग्जिट पोल सही निकल गए और भाजपा की सरकार बन गई। लोगों को ईवीएम पे शंका हुई, चुनाव आयोग पे शंका हुई और बातें कान में फुसफुसाने का दौर चालू हुआ। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व फिर से एग्जिट पोल आए हैं जहां आकलन सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, मीडिया के भी निष्पक्ष बंधुओं का ये था कि इस बार बराबरी की टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे हो सकती है। लेकिन फिर से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 350 से 450 तक सीटें मोदी जी ला रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम ये मानेंगे, हमारे सारे संगठन ये मानेंगे कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करके फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या क्षेत्रीय दल शांत रहें, लेकिन ओबीसी फ्रंट, दलित पिछड़ा समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच और हमारे जितने भी संगठन हैं उन सब ने बैठक करके कल निर्णय लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे लेकिन संविधान और लोकतंत्र को किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस 4 दिन चर्चा करके और फिर गायब हो जाती है, उसके राष्ट्रीय नेता विदेश चले जाते हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे। बल्कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणाम आ जाते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन निरंतर रूप से चलाएंगे और किसी कीमत को नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं स्वयं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा और बिना कांग्रेस के लड़ा। मैं पहले कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष था, पिछले बार कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठोकर लगाई क्योंकि पिछले बार को टिकट कांग्रेस नहीं दे रही थी और चुनाव लड़के 30,000 वोट लाया, सिर्फ 12,000 वोटों से हारा, सिर्फ 12,000 से, बिना कांग्रेस के, बिना पार्टी, बड़ी पार्टियों के, और लड़ गया और 12,000 से मात्र हारा, जबकि कांग्रेस में ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जो 30-30, 40-40 हजार से कांग्रेस के टिकट के बावजूद हारे। इसलिए ऐसी निठल्ली पार्टी से हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि वो संविधान बचाने के लिए कुछ बड़ा काम करेगी, लेकिन हमने तय कर लिया कि 4 को परिणाम आएंगे, 5 को दतिया में और भोपाल से ही शुरुआत कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पुतले दहन जगह जगह किए जाएंगे, सारे जिला मुख्यालयों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री जो देश के हैं, अगर वो गलत तरीके से बनने जा रहे हैं फिर से हमारे जनादेश का अपमान करके, हमारे वोट पे डाका डाल के, तो आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।